हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें ये हरियाणा के मुख्य समाचार हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उससे पहले आपको बता दें ये सभी खबरें छाटकला है, ऑथेंटिक है। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। और आपको बता दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर से। जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले जानते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। जैसा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इतनी तेजी से कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आपको बता दें शुक्रवार को रिकवरी रेट 50% पर पहुंच गया है, मगर 10 जिंदगियों की सांसें कोरोना से थम गई हैं और 63 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 44 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं तो वेंटिलेटर पर 19 जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 525 नए मामलों से प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 9743 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 333 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जिससे कोरोना को मात देने वालों की संख्या 4889 पर पहुंच गई है। जबकि जो 10 मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 5 हुई हैं, गुड़गांव में 3, सोनीपत व भिवानी में एक एक मरीज ने दम तोड़ा है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हरियाणा के राजस्थान जाने का रास्ता साफ हो गया है, पाबंदी हट गई है, मगर पहले दिन जयपुर कोटका सिम के लिए नहीं मिले यात्री। आपको बता दें राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सील की गई सीमाएं खोलने के साथ हरियाणा रोडवेज की बसों के संचालन पर लगी पाबंदी भी हट गई है। तो तमाम डिपो की तरफ से विभिन्न शहरों के लिए बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। रेवाड़ी डिपो की तरफ से आपको बता दें जयपुर के साथ लोकल कोटका सिम रूट के लिए बसों को बूथ पर लगाया भी गया है, लेकिन यहाँ के लिए एक भी यात्री नहीं आया है। आपको बता दें ऑफलाइन टिकट के जरिए बसों को नियमित संचालन किया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की एक और आ रही है। एमडीयू की तरफ से आ रही फाइनल ईयर व सेमेस्टर वालों की ऑड इवन सी होगी परीक्षा, डेट शीट जारी करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। आपको बता दें कॉलेज और विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट की परीक्षाओं को लेकर चल रही उलझन शुक्रवार को खत्म हो गई। अब सिर्फ फाइनल ईयर व फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट की ही परीक्षा होगी। पहले और दूसरे वर्ष के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा। एमडीयू ने प्लानिंग तैयार कर ली है। अंतिम वर्ष के यूजी पीजी व बीएड स्टूडेंट्स के अलावा डीडीई के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षा 6 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। ऐसा पहली बार होगा जब यूजी पीजी की कुछ परीक्षाएं ऑड इवन फार्मूले से होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, हरियाणा का मौसम। मौसम में बड़ा बदलाव, 72 घंटे में राज्य में यूपी के रास्ते से पहुंचेगा हरियाणा में मानसून। आज से ही कुछ इलाकों में पड़ेगी फुहारें। आपको बता दें मानसून की रफ्तार ने फिर से तेजी पकड़ ली है, यूपी के रास्ते हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। अगले 72 घंटे में इसके समूचे हरियाणा में पहुंचने की संभावना बन गई। हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश इलाकों में ये इसी अवधि में पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अब की बार सामान्य है और हरियाणा में इस बार मानसून सीजन जून से सितंबर तक की अवधि में 450 mm या अधिक बरसात हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। अब जल्द पानीपत में ही मिलेगी कोरोना टेस्टिंग की सुविधा, 600 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी होगी। आपको बता दें पानीपत में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा जल्द शहर में ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 600 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। यह फैसला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, लघु सचिवालय में सीएमओ व संबंधित अधिकारियों सहित बैठक में लिया गया है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर की बात करें, हरियाणा में अब दिव्यांगजनों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का लाभ। आपको बता दें हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी अब मिलेगा। इसके तहत शादी के समय पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपये तथा किसी एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसकी घोषणा हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, हिसार से आ रही है कोरोना का कहर। आपको बता दें हिसार में सेशन जज के 5 रिश्तेदार और बीएसएफ के 2 जवान समेत कुल 9 पॉजिटिव मिले। हिसार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं 24 घंटे की बात करें 9 नए मरीज आए हैं।
इन मरीजों में सेशन जज के 5 रिश्तेदार हैं, तो बीएसएफ के 2 जवान हैं और 2 अन्य मरीज शामिल हैं। इनके पॉजिटिव आने के बाद हिसार में कुल मरीजों की संख्या यानी कोरोना मरीजों की संख्या 172 पर पहुंच गई है। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, हरियाणा में आज अनलॉक 1 का 20वां दिन है। गुड़गांव में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते आपको बता दें 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी सैंपल लेने की व्यवस्था कर दी गई है कोरोना की। जिला स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में 10 नए लैब टेक्नीशियन की भर्ती भी कर ली गई है। कोरोना के लक्षण आने पर संदिग्ध मरीजों को अब जांच के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। जांच रिपोर्ट उन्हें या तो ऑनलाइन मिल जाएगी या पीएससी से अपनी हासिल कर ले सकते हैं। और जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, हरियाणा के डिप्टी सीएम की मांग, सोनीपत व गुड़गांव व फरीदाबाद में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जाएं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के बारे में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है। आपको बता दें, बैठक में राज्यों ने कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात के बारे में पूरी जानकारी देते हुए पीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से आ रही है बड़ी खबर, सूर्य ग्रहण पर ब्रह्म सरोवर में चंद लोग ही लगाएंगे श्रद्धा की डुबकी, पहले होगा कोरोना टेस्ट। आपको बता दें, गीता स्थली कुरुक्षेत्र में 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले पर कोरोना का महाग्रहण लग गया है। इस बार एशिया के सबसे बड़े ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु न केवल श्रद्धा की डुबकी से वंचित रहेंगे बल्कि धर्म नगरी में एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। अलबत्ता सूर्य ग्रहण पर स्नान की परंपरा ना टूटे, इसको लेकर प्रशासन की ओर से चंद लोगों को स्नान की अनुमति दे दी गई है। वहीं आपको बता दें, कोरोना अलर्ट को लेकर के हरियाणा में कम्युनिटी स्प्रेड जांचने को प्रदेश में होगा सीरो सर्वे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने पर अब सरकार की ओर से सीरो सर्वे कराया जाएगा, जिसमें इलाके में संक्रमण के स्तर का पता लगेगा। अभी तक स्वास्थ्य विभाग कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार करता रहा है, लेकिन लगातार कुछ जिलों में लगातार संक्रमण के केस ज्यादा आने पर वह भी सकते में है। ऐसे में सीरो सर्वे कराया जाएगा। इसके तहत लोगों का कोविड कवल एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें, हरियाणा में एक और बड़ा फैसला लिया गया, हरियाणा सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन से ज़्यादा ठहराव के लिए आने वाले बाहरी कारोबारी या आम व्यक्ति के लिए पास अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने पर अब हरियाणा में 3 दिन से ज़्यादा ठहराव के लिए बाहर से आने वाले लोगों को बिना पास प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई बिना पास के हरियाणा में आता है, 3 दिन से ज़्यादा ठहरता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ भाई बहनों, आप सभी के लिए खबरें कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।